नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये तस्वीरें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर और जैसलमेर के बॉर्डर की है, जहां पर आप देखिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पिछले करीब 2-2.5 घंटे से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है, तो मैं बता दूँ कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया थोड़ी देर में बाड़मेर पहुंचने वाले हैं और उनका सीमा पर स्वागत करने के लिए किस प्रकार से बाड़मेर के जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो पिछले करीब 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और थोड़ी देर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पहुँचेंगे और उनका स्वागत करने के बाद आज बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक होगी। उन बैठक में ये सब लोग शामिल होंगे और उससे पहले आप देखिए यहाँ पर लोगों की और नेताओं की भीड़ उमड़ी है और स्वागत के लिए यहाँ पर आतुर हैं। मैं उन लोगों से भी कुछ नेताओं से भी बात करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पर स्वागत करेंगे। सर बालाराम जी कब से यहाँ खड़े हैं और किस प्रकार का इंतज़ार किया जा रहा है? हम सुबह 9:30 से खड़े हैं। हाँ, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया अभी आने वाली है और उनका जोरदार बाड़मेर जिले के सभी कार्यकर्ताओं से जोरदार स्वागत। अच्छा, तो कहाँ से निकले हैं, क्या अभी कोई बातचीत हो पाई है? जैसलमेर से निकल के अभी आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और पिछले करीब 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं। प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, किस प्रकार का, क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष जी आ रहे हैं तो जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में काफ़ी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, सतीश जी पूनिया जिंदाबाद। देखिए, यहाँ हम सभी यहाँ बॉर्डर पे आए हुए हैं और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया भाई साहब आने वाले हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और हम सब यहाँ उनके इंतजार में हैं और उनका भव्य स्वागत है। मैम, किस प्रकार का प्रोग्राम रहेगा आगे? जिला मुख्यालय पर एक बैठक भी है पदाधिकारियों की, क्या प्रोग्राम रहेगा? यहाँ जगह जगह, यहाँ से जब बाड़मेर जाएंगे तो कई जगह पर बीच में स्वागत है और उसके बाद एक संगठन को लेकर बैठक है, उसमें सभी जो अपेक्षित कार्यकर्ता है उनकी बैठक होगी, जो मोर्चों के अध्यक्ष है, जिला पदाधिकारी है, मंडलों के अध्यक्ष है, हमारे प्रकोष्ठ और विभाग है उनके अध्यक्ष है, उनके साथ मिलकर बैठक होगी, संगठन को लेकर चर्चा होगी। जो कई सारे पार्टी के कार्य हुए हैं अमृत महोत्सव के दौरान, जो पार्टी ने कार्यक्रम दिए थे उनकी भी समीक्षा की जाएगी और मुख्य रूप से जो संगठनात्मक संरचना है जिसमें कि सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख, तो इनको लेकर कितना कार्य हुआ है उसकी भी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद में कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है और फिर शाम को उनका और यहाँ से बाड़मेर से प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से पदाधिकारी और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। खेताराम जी कब पहुँचे और कब पहुँचने वाले हैं आपके अध्यक्ष साहब? नमस्कार आपको सिराज जी, सबसे पहले हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी 10-15 मिनट में पहुँचने वाले हैं और यहाँ से कार्यकर्ता सुबह 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, बाड़मेर की थार नगरी में उनका स्वागत और अभिनंदन है और इसलिए उनका कार्यक्रम रखा है। ब्लॉक साहब ने बताया है पूरा विवरण और सबका साथ सबका विकास, एक ही नारा एक ही नेता। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से एक ही नारा और एक ही नेता के यहाँ लोग नारे लगा रहे हैं, पदाधिकारी और नेता भी पहुँचे हैं, अलग अलग जगहों से सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जहाँ इस क्षेत्र आता है, धन सिंह जी यहाँ के प्रतिनिधि हैं। धन सिंह जी, किस प्रकार की उत्साह है पदाधिकारियों में और कार्यकर्ताओं में? पदाधिकारियों में प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर के बहुत उत्साह है, सब वेलकम के लिए सब काफ़ी समय से दूर दराज शिव विधानसभा के सब यहाँ पहुँचे हैं, बहुत बड़ी उत्साह है और अब के भगवान भी मेहरबान है और खेती बाड़ी भी ठीक है, बहुत उत्साह है। बिल्कुल पंकज जी, युवाओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर आप बॉर्डर पर आए और यहाँ स्वागत के लिए आतुर हैं? युवाओं में बहुत भारी जोश, उमंग और उत्साह है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी भी सेना का सेनापति आता है और जब आके जोश भरते हैं तो निश्चित रूप से सभी जो युवा हैं वो उत्साहित भी होंगे और आज जो पूरा ये एक दिवसीय बाड़मेर संगठन दृष्टि से बाड़मेर जिले का जो दौरा है उसके अंदर वो संगठन की बातें करेंगे और कुछ मूल मंत्र भी देके जाएंगे जो कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हम सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। निश्चित रूप से विधानसभा चुनावों के नज़दीक आते ही जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियों के नेताओं के जो दौरे हैं वो शुरू हो गए हैं और उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जो बाड़मेर में अभी उनकी बैठक होगी और उससे पहले बाड़मेर की सीमा है वहाँ पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ इनके स्वागत के लिए
इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ शिव से जो हैं उनसे भी बात करेंगे। गिरधर सिंह जी, कब से यहाँ खड़े और कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों की, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भीड़ है? करीब 500 से 600 700 आदमी हैं और माननीय अध्यक्ष साहब का इंतजार कर रहे हैं। उनका टाइम थोड़ा लेट चल रहा है क्योंकि बीच में स्वागत हो रहे हैं उनके, जैसलमेर से निकल चुके हैं। 10-15-20 मिनट में आ गए। तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, अलग अलग नेता है, क्या आप किस प्रकार की यहाँ स्वागत करने के लिए पहुँचे? उत्साह ये है कि हम उनको ये जताना चाहते हैं कि बीजेपी अब बाड़मेर जिले से आपको जीताएगी, राजस्थान की कमान संभालने के लिए आप तैयार रहें। हम सारे कार्यकर्ता आपको, ये जो जोश है ना, ये राजस्थान की सरकार बनाने के लिए सब उत्साहित है और उनका ये जोश दिखा करके ये देखना, उनको दिखा देना चाहते हैं कि बाड़मेर से आप निश्चित होकर निकलो। बिल्कुल, आप देखिए बाड़मेर की लगभग प्रत्येक विधानसभाओं से बीजेपी के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार उनके स्वागत जो होगा वो अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। सर, कहाँ से आप पहुँचे हैं और कितने लोग आपके साथ और किस प्रकार का स्वागत है यहाँ? मैं बालोत्रा से आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। मेरे साथ में 5 गाड़ियाँ हैं बालोत्रा जिले से। अभी स्वागत के लिए यहाँ से हम बाड़मेर जिले में जैसे ही एंटर होंगे यहाँ भव्य स्वागत करेंगे और सीधा सभा स्थल पर। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होगी और उससे पहले आप देखिए अलग अलग जगहों से बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं वो भी सारे लोग इस स्वागत के लिए आए हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी इन चुनावों में जता रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं से अलग अलग लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और थोड़ी देर में सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो पहुँचेंगे और उसके बाद इन सब लोगों के काफिले के साथ हुए बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुँच कर संगठनात्मक बैठक करेंगे।